सा होता है, जीएस का होता है, ठीक है, सभी को पता है। और जो दूसरा पेपर है, इसको हम पेपर वन भी बोल देते हैं कि हाँ जी पेपर वन है आपका, जो किसका है, जीएस का, ठीक है। और जो दूसरा जो पेपर है आपका पेपर टू, वो आपका होता है सी सेट का। दिस इज योर पेपर टू। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो जो ये अपना पेपर है, पेपर वन और पेपर टू, ये दोनों आपके 200-200 मार्क्स के होते हैं बेटा। जीएस सभी को पता है, जनरल स्टडीज। और जो सेट है आपका सी सेट, इसके क्या होता है, ये सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो ये भी आपका कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। क्लियर है? तो जो आपका फर्स्ट पेपर है जीएस का, तो उसके अंदर आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। जो आपके 100 क्वेश्चन है, तो पर क्वेश्चन कितने मार्क्स हो गए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, तो 2 मार्क्स। और सी सेट के अंदर किसी को पता हो तो कितने क्वेश्चंस होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं। वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया आपका, 2.5 मार्क्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब देखिए, अपने पास में जो ये जो आपका सी सेट का पेपर है, इससे अभी हमारा नहीं है, हमने क्या करना है, इसको सी सेट को फोकस करना है, ठीक है। तो जो सी सेट है, ये एग्जाम बेसिकली किस लिए होता है कि स्टूडेंट्स का जो है आपका एप्टीट्यूड कैसा है, रीजनिंग कैसी है, इंग्लिश कैसी है, इसको जस्ट टेस्ट करने के लिए आपका सी सेट का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। आपका 2014 तक सी सेट के जो मार्क्स हैं, वो आपके ऐड होते थे, जो फाइनल इवेल्युएशन होती है पेपर की, तो उस टाइम पे सी सेट के मार्क्स ऐड होते थे। कब तक, 2014 तक ऐड होते थे, बट बाय 2015 इट इज ओनली ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। मींस कि आपको क्या करना है, सिर्फ 33% मार्क्स लेने हैं। अब 200 का आपका पेपर है, तो इसके अंदर इसका मतलब क्या है कि आपको 33% मार्क्स के अंदर से कितने मार्क्स हो गए आपके, 66 मार्क्स गेन करने हैं। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? अब देखो, बच्चों के माइंड में ना, मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में बेटा एक परसेप्शन बना हुआ होता है, क्या कि सी सेट तो बहुत इजी है, जस्ट क्वालिफाइंग रह गया है, इसकी तैयारी करने की तो हमें जरूरत ही नहीं है, ये तो हम ऐसे ही निकाल देंगे। होता है, अभी जो बच्चे बैठे हैं, इनके माइंड में भी, कुछ बच्चों के माइंड में होगा कि हाँ जी कोई नहीं, क्वालिफाइंग ही है, ओनली 33% मार्क्स ही लेने, इतना तो मैथ हमें आता है, इतनी तो रीजनिंग भी आती है, थोड़ी तो इंग्लिश भी आती है। होता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जब से अपना ये जो है क्वालिफाइंग किया है, तो पहले जो सी सेट का लेवल था ना, वो बहुत इजी पेपर आता था बेटा। जो पहले सी सेट का पेपर था, वो काफी इजी होता था। बट अभी देखा गया है कि अगर हम पिछले पेपर्स को चेक करते हैं, पूरा रिकॉर्ड अगर आप चेक करते हो, तो उसके अंदर क्या है कि 2018 और 19 के अंदर जो पेपर का लेवल है, वो पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो की पॉइंट क्या है कि हाँ जी, जो अपना लेवल है पेपर का, वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, तो आपको सी सेट की तैयारी करनी बनती है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर अगर हम देखते हैं, तो काफी स्टूडेंट्स सी सेट की वजह से रह गए। क्या होता है कि बच्चे जनरल स्टडीज में लगे होते हैं कि हाँ जी सारे सब्जेक्ट्स को बस हम सारा याद कर लेते हैं, ठीक है जी, हमारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, जनरल स्टडीज है, इसी में हमारी मेरिट बनेगी, यही होता है सभी के माइंड में। बट कुछ स्टूडेंट्स किस पेपर पे रह गए हैं, जी जीएस में काफी अच्छा क्वालिफाई कर लिया, बट सी सेट उनका रह गया। तो इसलिए सी सेट पे भी ध्यान देना, क्योंकि इसका लेवल डे बाई डे क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। देन उसके बाद में जो सेकेंड पॉइंट है कि हाँ जी, हमें सी सेट का जो पेपर है, इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है कितनी है बेटा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। मीन्स, हाँ जी स्विच ऑफ योर फोन्स। मीन्स अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपके कितने मार्क्स चले गए, 0.8 कुछ मार्क्स आपके चले गए, ठीक है ना। तो अगर स्टूडेंट सोचते कि हाँ जी, अगर मान लो हम 40 क्वेश्चन भी पेपर में करके आ जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा तो क्वालिफाई हो जाएगा, और 40 में से अगर 10 क्वेश्चन गलत हो गए, फिर क्या, मान लो 5 भी गलत हो गए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हाँ जी, पेपर को देख के आपके 40 क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट हो पा रहे,
तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, तो आप लोगों को सी सेट के अंदर जो एक्यूरेसी है पेपर के अंदर, उसकी एक्यूरेसी का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम इसके बाद जो थर्ड पॉइंट अगर हम डिस्कस करते हैं, तो जो सी सेट का पेपर है बेटा आपका, हाँ जी, लेवल तो आपका इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग भी है, साथ में बात आती है कि जो सी सेट के पेपर के अंदर जो सिलेबस है आपका, वो यूपीएससी ने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है प्रॉपर मैनेज करके एक आपको सिलेबस दिया गया है, ठीक है ना। तो वेल इलेबोरेटेड आपका सिलेबस दिया गया है, तो उस सिलेबस में से आपका कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ जी एक पर्टिकुलर टॉपिक में से आपके दो क्वेश्चन बनेंगे, अगर एक पेपर में आपका मान लो हम कहते हैं कि 2018 के अंदर टाइम एंड वर्क पे 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है जी, 19 के अंदर हम कहते हैं कि हाँ जी आपके 2 क्वेश्चन आए थे, तो हम माइंड में ये नहीं लेके चल सकते कि हाँ जी उस टाइम पे टाइम एंड वर्क पे तो हमारे 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं, बट प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन नहीं आया। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बार है ना उस पे क्वेश्चन आए ना प्रॉफिट लॉस पे आ जाए, तो आपको पूरे का पूरा जो सिलेबस है वो पूरे का पूरा प्रॉपर तरीके से रीड करना है। ठीक है, तो आपके पूरे कंप्लीट सिलेबस के आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, उसके ऊपर किस किस तरह से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे आपको पता होना चाहिए, क्लियर। अब देख दूसरा एक और पॉइंट आता है कि जैसे हम बैंकिंग की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो बैंकिंग के अगर किसी ने स्टूडेंट्स ने पेपर दिया हो तो उसमें प्रॉपर होता है कि हाँ जी ये इंग्लिश का सेक्शन है, इसके अंदर से आपके 30 नंबर के जो है क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ गया, उसके अंदर 35 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे, क्लियर है। और साथ में क्या है कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पूरा सेक्शन आपका एक ही जगह होता है, मतलब सारे क्वेश्चंस, मतलब कि जब हम पेपर करने लगते तो हमें ही होता है हाँ जी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चल रहा है, तो हाँ जी उसी साइड अपना सारा माइंड सेट है। उसके बाद रीजनिंग चल रहा है तो चलो सारा जी रीजनिंग के ऊपर हमारा माइंड सेट है, इंग्लिश है तो इंग्लिश पे। बट इसमें क्या है कि ऐसा हो जाता है कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है इंग्लिश का, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको रीजनिंग का देखने के लिए मिल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आ गया। तो इससे क्या है कि हाँ जी माइंड को हमें हर टाइम पे सेट करना पड़ता है कि हाँ जी अभी हम क्वांट का क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी हम रीजनिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी आपका इंग्लिश का पैसेज आ रहा है, तो वो सारा का सारा आपका इसके ऊपर डिपेंड करता है, समझ आ गया। तो इसलिए भी थोड़ा सा ये कंपैरेटिवली टफ हो गया है कि जो क्वेश्चंस है वो आपके इकट्ठे एक जगह पे नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए कि आप बताइए कि तैयारी करने की जरूरत है या नहीं है, है ना। और साथ में इसके अंदर आपको क्या है कि आपका जो सिलेबस है उसके पूरा प्रॉपर तरीके से रीड करना है, और आपको आज सिलेबस हम आपको आज लिखवा देते हैं, हाँ जी बच्चे। तो जो आपका सिलेबस है वो आपको आज प्रॉपर तरीके से हम बता देंगे कि ये आज आपका सिलेबस, जैसे इंग्लिश का आपका क्या सिलेबस है, रीजनिंग का क्या है, और आपका इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो उससे पहले अभी हमारे जो इंग्लिश के टीचर हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवा देते हैं, तो आई होप सर आ जाते हैं। उसके बाद में आपका आज हम जो मेन टॉपिक हमारा रहेगा, जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने हैं बेसिकली, तो वो हम आज वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा बेटा जी, अगर आपकी एक्यूरेसी है, ठीक है, तो 50 तो करने ही चाहिए, और अगर एक्यूरेसी नहीं है तो ये कोई नहीं है मेथड कि हाँ जी 50 क्वेश्चन मैंने करने ही करने हैं, मान लो मेरे रॉन्ग हो गए क्वेश्चंस तो नेगेटिव मार्किंग में ही चले जाने आपके मार्क्स, तो ठीक है ना। और इस बार आपका आई होप 31 मई को है आपका प्री, तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास में, यही है बच्चे, ये है इस पे बना हुआ, ब्रिजेश सर को भेजना, आपको नहीं बुलाया।
ओके स्टूडेंट, कोई नहीं, तब तक सर आते तब तक हम अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस और रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आपका, उसके अंदर नोट डाउन कर लीजिए। चलो कोई नहीं, तब तक सर से मिलते हैं पहले। हेलो स्टूडेंट, सर माइक लीव इट मैम। आई एम ब्रिजेश एंड वी विल बी स्टडिंग इंग्लिश फॉर सीसेट पेपर टू, राइट। तो उसमें ये है, जैसे मेनली जो इंग्लिश का जो पोर्शन होता है उसमें एक तो कम्प्रीहेंशन आता है और दूसरा उसमें होता है इंटरपर्सनल स्किल्स, राइट। तो जो पैराग्राफ है, कम्प्रीहेंशन है हमारा, वो जो जहाँ जैसे उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से आता है और कैसा आता है और हमारी क्या क्या उसके जो पैराग्राफ करना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, राइट। तो देखते हैं, देखिए जो अपना जो कम्प्रीहेंशन है, सबसे पहले तो इसका रोल बता देता हूँ मैं, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे इसके जो सी सेट पेपर टू में जो क्वेश्चन आते हैं वो 35% से लेके 40% तक क्वेश्चन आते हैं सी सेट पेपर में। मान लो मैडम ने जैसे बताया ही आपको 80 क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली, यस मैम, इज इट राइट? हाँ। तो इसमें क्या है कि अगर आपके मान लीजिए 40% आप अकाउंट करते हैं तो नियर अबाउट कितना हो गया, ये 32 क्वेश्चन है जो आपके, जो वो इसमें से आ जाएंगे, मतलब जो मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं आपके इसमें से आ जाएंगे, राइट। अब ये देखिए जो कम्प्रीहेंशन आता है मेनली कहाँ कहाँ से आता है, कौन कौन से टॉपिक, जो हॉट टॉपिक्स होते हैं उनमें आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइंस पैसेज है आपका, राइट। दूसरा है सोशल साइंसेज आ गया, बिजनेस पेज आ गया, या मोस्टली जैसे इन्वायरमेंट है उसमें भी आता है ये। तो इसके लिए जो रिकमेंडेड जो मटेरियल होता है बेसिकली, वो जो आपको पढ़ना चाहिए वो आप कहाँ से पढ़ोगे? एक तो मेक एन हैबिट टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर डेली, अभी नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये हमने मतलब कि एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जो कॉम्प्रीहेंशन होता है ना उसको अगर हमने जब देखो, तो उसका जो कॉम्प्रीहेंशन जो बनाता है ऑथर होता है, वो क्यों बनाता है उसको, इसकी मतलब कि इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्यों हम जैसे आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमें उसी तरीके से सोचना पड़ता है कि वेदर वी आर एबल टू मेक कंक्लूजन्स और नॉट, वेदर वी आर मेक एबल टू आइडेंटिफाई आर्ग्यूमेंट्स, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑथर ने एक पैराग्राफ लिख दिया है, तो ऑथर ने कुछ चीज़ें अज्यूम करके चलता है। अज्यूम क्या करता है, वो ये अज्यूम करता है कि जो बंदा इस पैराग्राफ को पढ़ रहा है ना, तो उसको कुछ नॉलेज ऑलरेडी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें वो कुछ चीज़ें अजम्पशंस मान के चलता है, तो वो हमें तो इतना लेवल हमारा होना चाहिए। अब देखिए जो हम कॉम्प्रिहेंशन है जो दिया होता है, उससे हमारा अगर हम डेली पढ़ते हैं, एक तो हमारा विजडम इंक्रीज हो जाएगा, हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है, दूसरा हमारी इंटरपर्सनल स्किल डिवेलप होती है, ठीक है जी। तो अब इसमें से जो और आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए इसके अलावा, द हिंदू न्यूज़पेपर, और जो सोशल साइंस का जो आएगा आपका, तो उसका जो द हिंदू का थर्सडे वाला जो आता है ना न्यूज़पेपर, वो डेली पढ़ना आपने, सोशल साइंस के जितने भी हैं। ठीक है जी। तो इसमें देखिए जो कॉम्प्रिहेंशन है उसमें क्या क्या ऑथर पूछ सकता है आपको, एक तो इन्फ्रेंसेस क्या है, कंक्लूजन क्या है, या मेन पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है, ठीक है जी। तो ये सारा हमें आना चाहिए, जो कॉम्प्रिहेंशन है अपना, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन है हमारे, एक तो वो जो पूछ सकते हैं फैक्चुअल बेस पे, ठीक है जी, ध्यान रखना जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके, या तो फैक्चुअल होंगे, फैक्चुअल मीन जैसे WH क्वेश्चन लगा लीजिए आप, Who, what, when, where, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू कैन नोट डाउन इफ यू वांट टू, टाइप्स ऑफ जैसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन में आपसे, वो एक तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो फैक्ट पे बेस्ड हो, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना पैराग्राफ में, वो जो इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो पैराग्राफ में ही मिलेगा, एम आई राइट? तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन है, जैसे व्हाट आर द टू मेथड्स मेंशन्ड बाय द ऑथर फॉर एनालिसिस, इज इट क्लियर, राइट।
सो दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है अथर, विच इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स द बेस फॉर रिसर्च ऑफ न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट आपको पैसेज से ही मिल जाएगी। पैसेज करते समय एक चीज का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि स्कूल से लेके हम कॉलेज तक काफी कुछ मतलब कि पढ़ लेते हैं, जब हम पैसेज करते हैं वहां पे क्या होता है एक्चुअल में, हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे हमने अपना ब्रेन नहीं यूज करना होता, जो ऑथर ने कंटेंट दिया है एज पर द पैराग्राफ ही हमने रिप्लाई करना होता है, ठीक है। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, समटाइम्स क्या होता है कि जैसे एक प्रोफेशनल बंदा है, मान लो वो किसी और फील्ड का है, इंजीनियर है या डॉक्टर है, तो पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसको लगता है ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बट बेसिकली होता क्या है, हम जब पैराग्राफ पढ़ते हैं उसमें निकल के आता है कि नो 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 नो, द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट सम अबाउट नेगेटिव थिंग, ठीक है। उसमें ऑथर का ओपिनियन देखा जा सकता है, ऑथर देख, हमें ये देखना पड़ता है कि ऑथर किस टोन में बात कर रहा है, ठीक है जी। तो दूसरा टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो कौन से होंगे, इन्फेरेंस क्वेश्चंस। यस सर, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही क्या बताया था कि जो स्ट्रेटेजी है हम बाद में डिस्कस कर देंगे, चलो आपने अभी पॉइंट आउट कर दिया है, मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके, या तो चार पांच जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, दो तरीके के आएंगे आपके, कुछ शॉर्ट होते हैं कुछ लेंथी होते हैं, राइट। जो शॉर्ट पैराग्राफ है वो अराउंड 3 or 4 लाइंस का होएगा और उस पर एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इज इट ओके, ठीक है जी। या इन्फ्रेंस पूछ सकता है, वो आर्ग्यूमेंट पूछ सकता है, वो मेन आइडिया पूछ सकता है, है ना। तो और जो दूसरा है जो मैं बता रहा था, एक शॉर्ट है और जो लेंथी जो हो गया पैराग्राफ, उस पर जो ऑथर है आपके 3-4 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है जी। तो ऐसे ही हैं, जैसे चार छोटे जैसे पैसेज आ गए, एक बड़ा जैसे दो बड़े पैसेज आ गए, ठीक है, ये चीज हमने देख लेना है। बाकी स्ट्रेटेजी वी विल बी डिस्कसिंग इन फर्दर लेक्चर्स, ठीक है जी। सो नेक्स्ट आ जाता है इन्फरेंस क्वेश्चंस आगे, पहले कौन सा था अपना, फैक्चुअल बेस्ड, दूसरा इन्फरेंस क्वेश्चंस, थर्ड आ जाएगा अप्लाइंग इंफॉर्मेशन। अप्लाई इंफॉर्मेशन मीन्स जो कंटेंट हमारा पैराग्राफ में है या पैसेज में है, हमने उसी इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल जैसे पैराग्राफ में एक सिचुएशन बता रखी है, ऑथर पूछ सकता है आपसे अगर आपको ऐसी ही सिचुएशन कोई और दूसरी मिले तो आप क्या करोगे, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज मोस्ट सिमिलर टू द इकोनॉमिक सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन द सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है जी। नीचे कुछ ऑप्शन दी होती है, आपने उनमें से एक सिलेक्ट करने हैं। एक आएगा हमेशा बड़ा नॉर्मल सा आता है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन आइडिया क्वेश्चन, उसमें आपको पैराग्राफ का मेन इसका जो आंसर मिलता है वो लास्ट में मिल जाएगा आपको, पैराग्राफ की दो जो लास्ट लाइन है, 2 या 3, या जो स्टार्टिंग में 2 or 3 लाइन्स है उसी में ही इसका आंसर होता है, और हमने उसका जो मेन आइडिया बताना होता है या वी कैन से कंक्लूजन ही बताना होता है अल्टीमेटली, फाइन। नेक्स्ट आता है स्पोर्टिंग क्वेश्चंस, ये कैसे होते हैं, इसका एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल पैसेज मैंने, आई हैव गॉन थ्रू द पैसेज, नाउ द ऑथर आस्क्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज द ऑथर बिलीव्स इन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स, यू विल बी गिवन 2 or 3 स्टेटमेंट्स and you will be asked to select one of them, right? Next है logical question, कुछ logical questions भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और एक मैंने अभी discuss किया था जैसे tone question क्या होता है। देखो जब author कोई paragraph लिखता है तो उसमें हमें बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि या तो ऑथर उसकी फेवर में बात कर रहा होगा, एंड यू विल गेट टू नो अबाउट व्हेन यू विल रीड द पैसेज, इधर ही विल बी स्पीकिंग पॉजिटिव अबाउट इट और ही विल बी स्पीकिंग नेगेटिव अबाउट द यू नो कंटेंट ऑफ द पैसेज, या वो न्यूट्रल होके भी लिख सकता है, इज दैट क्लियर, ठीक है।
तो हमें ऑथर पूछ सकता है वेदर, या एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वेदर द ऑथर इज इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट बिलो जो नीचे दी गई है, और वेदर द ऑथर इज अगेंस्ट द स्टेटमेंट, या कहें तो नेगेटिव टोन पूछ सकता है। ठीक है जी, तो ये कुछ है अपने जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पैराग्राफ बेस पे आते हैं। ठीक है जी, अब आपको मैं एक वैसे बताता हूं कि भी हमने जो कॉम्प्रिहेंशन है इसकी तैयारी अच्छे से कैसे करनी है। वोकैबुलरी किन किन को लगता है कि भी बहुत स्ट्रांग है मेरी, लेट अस सी हाउ मेनी वोकैबुलरी जो है सेक्शन है वो किस किस को लगता है कि मेरा बहुत स्ट्रांग है। पहले तो एक बात बताता हूँ, जब मैंने यहाँ पे पैर रखा था मैं खुद ही थोड़ा सा नर्वस था, बट आई वॉन्ट ए फ्रेंडली इन्वायरमेंट सो दैट वी कैन इंटरेक्ट। ठीक है, सो ट्राई टू आस्क समथिंग ना, और रिप्लाई भी वैसे ही करना, सो इन्वायरमेंट जो फ्रेंडली हो जाए और एक अच्छी पढ़ाई हो उसकी। तो वोकैबुलरी किस किस को लगता है अच्छी है मेरी। चलो एनीवे, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आपने वही फॉलो करना है वोकैबुलरी बिल्ड करने का। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई आज नवा वर्ड सीखा है या देखा है उसको फटाफट नोट डाउन कर लेना आपने। ठीक है, पॉकेट डायरी रखिए आप, ठीक है, यू कैन कीप ए नोटबुक और एनीथिंग यू ना यू आर कंफर्टेबल विद। तो जब आप एक वर्ड लिख लोगे उसका सिनोमिनेंस लिखो या उसके अलग और वर्ड उसके पैरेलल में जो आते हैं वो लिख लेने हैं। मेक इट एटलीस्ट टू और जैसे एक या दो लाइनों का बना लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट डे अगर आप और कोई वर्ड आपको मिलता है आप उसको फर्दर ऐड कर लो। ठीक है, मान लो 10 वर्ड्स आपने ऐड कर लिए हैं, ध्यान से सुनना, आपने 10 वर्ड ऐड कर लिए हैं, अब इसको रिपीट करने में आपको कितना टाइम लगेगा। मान लो मेरे पास 10 वर्ड्स हैं एक पेपर पे, तो हाउ मच टाइम आई विल टेक टू रीड दीज 10 वर्ड्स, लेट अस सी कितना टाइम लगेगा। यस ओनली ना, कैन बी रिपीटेड 2 or 3 टाइम्स अ डे, दैट्स इट, गो ऑन एडिंग वर्ड्स एंड रिपीट 2 or 3 टाइम्स अ डे, विद इन ए वीक यू विल फाइंड योर वोकैबुलरी हैज इंक्रीज्ड, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास 100 वर्ड हैं तो कितना टाइम लगेगा रिपीट करने के लिए, आधा घंटा लग जाएगा, घंटा लग जाएगा मैक्सिमम। बट ऐसे नहीं है, पहले दिन तो मैंने 10 ही रिपीट करने हैं ना, दूसरे दिन 12 ही रिपीट करने हैं, तीसरे दिन 15 ही रिपीट करने हैं, तो वो क्या हो जाएगा, जो मेरे पहले रिपीट करता गया हूँ वो मेरे पक्के हो गए हैं दिमाग में, फिर हम नेक्स्ट रिपीट करना शुरू कर देंगे, तो वो जो वर्ड मेरे वोकैबुलरी जो बिल्ड होगी ना दैट इज प्रेटी गुड, या यू कैन से दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू डू कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है जी, अब आ जाओ विजडम और इंटेलेक्चुअलिटी कैसे बढ़ानी है। जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे ना तो इसको आपने जो उसमें नॉलेज दी गई है तो यू आस्क यूर सेल्फ ना क्वेश्चंस कि ये ऑथर क्या कहना चाहता है, इस स्टेटमेंट का क्या और मतलब हो सकता है, तो आपने वो मतलब सेल्फ क्वेश्चनिंग जरूर करनी है जब भी आप पैराग्राफ पढ़ोगे। ठीक है जी, तो ये अपना कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। ठीक है, तो बाकी हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो मैं अगेन आई एम सेइंग मेक ए फ्रेंडली इन्वायरमेंट सो दैट कि हम खुद भी नर्वस ना हो और अच्छी पढ़ाई होगी। ठीक है जी, तो ये अपना सी सेट का बैच है अपना 29 से स्टार्ट होगा। ठीक है जी, तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन आस्क फ्रॉम द रिसेप्शन। ठीक है, और यू कैन डिस्कस विद मिस्टर सुभाष जी, राइट। ठीक है मैडम, प्लीज कैरी ऑन, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, इंग्लिश का आपको सभी को पता चल गया। ठीक है जी, तो मैं आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस नोट डाउन करवा रही थी, तो नोट डाउन करिए। हाँ जी, सबसे पहले बच्चे नंबर सिस्टम एंड नंबर सीरीज,
नंबर सिस्टम एंड नंबर सीरीज, HCF एंड LCM ऑफ नंबर, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, चेन रूल, टाइम वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टर्न, CISTERNS, सिस्टर्न्स, टाइम वर्क एंड वेजेस, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स, क्लॉक्स एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा इंटरप्रिटेशन, डी आई, डाटा इंटरप्रिटेशन। क्लियर है बेटा? हाँ जी। उसके बाद में रीजनिंग में नोट डाउन करिए। नेक्स्ट रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में, हाँ जी लिख लिया सभी ने? हाँ जी, लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन रैंकिंग, टीम फॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, पजल डायरेक्शन टेस्ट। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद बेटा रीजनिंग के अंदर ही आपका एक पोर्शन होता है। कुछ स्टूडेंट्स तो कहते हैं हाँ जी रीजनिंग ये है, तो रीजनिंग ही तो जो हमारा पहला था दैट वाज लॉजिकल रीजनिंग। अब आपकी जर्नल मेंटल एबिलिटी, इसके अंदर क्या क्या है? सिलोजियम, लॉजिकल डिडक्शंस, सिलोजियम, SYLLOGISMS, लॉजिकल डिडक्शंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजेप्शन, हाँ जी, असर्शन एंड रीजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम,
कोर्स ऑफ एक्शन. हाँ जी बच्चे, सबसे पहले था आपका स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये हो गया था. हाँ जी, आफ्टर दैट सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम, वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन बाइनरी लॉजिक, वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन बाइनरी लॉजिक्स. क्लियर है? तो बच्चे ये आपका सिलेबस है. तो आज हम डिस्कस करेंगे. देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है. बताया मैंने स्टार्टिंग में आपसे, मैं यही डिस्कस करके हटी हूँ कि हाँ जी नेगेटिव मार्किंग होती है और हम क्या करते हैं, नेगेटिव मार्किंग में अपने नंबर चले जाते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि एक तो हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो हमारी एक्यूरेट हो. ठीक है, मतलब हमारी जो एक्यूरेसी है वो होनी चाहिए. और दूसरा क्या है कि जो हमारी कैलकुलेशन है वो फास्ट होनी चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए बच्चे क्या चाहिए, हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी. तो आज मैं हम थोड़ी सी जो है आपकी ये है आपका कैलकुलेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. इसको आप वैदिक मैथ्स बोलते हैं, पता होगा सभी ने सुना होगा वैदिक मैथ्स. ठीक है, तो उसको उसकी ना कुछ ट्रिक्स आज हम डिस्कस करेंगे. क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, अगर आपको जैसे मैं कोई क्वेश्चन करवा रही हूँ और ट्रिक बता रही हूँ और नहीं समझ आ रही है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मुझसे क्वेश्चन पुट कर सकते हो कि हाँ जी मैडम कैसे है, दोबारा से रिपीट कर दीजिए. तो आपको मैं अभी रिपीट कर दूँगी. ओके, हाँ जी देखिए, जो हमारा आज की जो फर्स्ट ट्रिक है वो क्या है कि मल्टीप्लाई करना है हमने जो भी वन से नंबर है. मल्टीप्लाई बाय लाइक हम कहते हैं 11 से मल्टीप्लाई करना है हमने, या फिर 111 से करना है, या फिर ठीक है जी. अब देखो, मान लो मेरे पास कोई नंबर है और इसको मुझे किससे करना है, 11 से मल्टीप्लाई. कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिखोगे आप, जो फर्स्ट नंबर है आपका. वैसे कैसे करते हैं हम, पहले वो देखते हैं, कंजी करते कैसे हम, ऐसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं बच्चे. ठीक है, मान लो मेरे पास दो डिजिट का नंबर है तो चलो ऐसे हो गया, फिर तीन डिजिट का नंबर है तो फिर और आगे बढ़ जाएगा, चार डिजिट का नंबर है और आगे बढ़ जाएगा, ऐसे ही होता है. तो अब जो हमने मेथड यूज करना है उसके अंदर हमारी कोशिश है कि हाँ जी हम एक ही लाइन के अंदर उसका सॉल्यूशन ले आए. तो देखो कैसे करोगे, पहले ये फर्स्ट नंबर, अब उसके बाद में क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है आपने. मैं बार इसलिए लगा रही हूँ कि आपको पता चले मैं किन किन नंबर्स को ऐड करके लिख रही हूँ. तो पहले थ्री, देन 3 + 2 = 5, देन इसको हमने स्किप कर देना. फिर क्लियर है सभी को? एनी डाउट? दोबारा बताऊं बच्चे, इधर आ जाइए आप थोड़ा सा ना, जो इधर स्टूडेंट्स बैठे हुए इधर स्पेस है, इधर आ जाइए. देखिए दूसरा नंबर लेते हैं कोई, जैसे मेरे पास नंबर है, कहेंगे मैडम तो छोटे छोटे नंबर ही ले रहे हैं, 2 से दूसरा नंबर लेते हैं कोई, लाइक हमारे पास में है 94. ठीक है जी, क्या करना है हमने, 11 से मल्टीप्लाई करना है. कैसे करेंगे, 4, उसके बाद इन दोनों को ऐड करना है आपने, 9 × 4 = 13. जो आपका कैरी है वो आपका आप माइंड में रख सकते हो, इतना तो हम इतने बड़े हो गए कैरी को माइंड में रख सकते हैं. अगर नहीं भी रख पाते कि हाँ जी चलो बाद में प्रैक्टिस से हो जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स को अगर नहीं भी कर पा रहे तो यहाँ पे आप मेंशन कर लो. ठीक है, क्या किया मैंने, पहले 4 लिया बेटा, फिर 9 और 4 आपका जैसे 13 हो गया, एक आपका कैरी आ गया. उसके बाद मैंने क्या बताया था, इसको स्किप कर देना, यहाँ पे हमने बारे पास क्या 9 और एक आपका कैरी था,
तो कितना हो गया, इजी है, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? चलो जी, अब ये थी हमारी टू डिजिट की, अब कोई और नंबर लेते हैं। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, कैसे करेंगे? देखो वही स्टेप आ रहा जो आपका पहले स्टेप था, लिए मैंने कितना आ गया 3। उसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट नंबर को साथ में लेना है 5, फिर इस नेक्स्ट को भी इंक्लूड करना है, कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब जब हमने स्किप करना शुरू करना है तो मैंने अभी यहां से हमने ये नंबर स्किप किया था जैसे, तो यहां से हम 1 by 1 करके स्किप करेंगे, तो यहां से 3 को छोड़ दोगे, क्या बच गया 6। उसके बाद इस 2 को भी आपने स्किप करना, क्लियर है, समझ आ गया सभी स्टूडेंट्स को? दोबारा से रिवाइज करवाऊं, देखो क्या, हाँ जी देखो, पहले आपने ये जो नंबर है 3 वो ले लिया, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर को उसके साथ में जोड़ दिया 5 हो गया, उसके बाद में इसको और जोड़ दिया 5 और 4 9 हो गया आपका। हाँ जी, एक बात का ध्यान रखना, अगर कहीं पे भी कैरी आता है तो उसको ध्यान में रखते हुए चलना है, उसके बाद में हमने 1 by 1 करके छोड़ना शुरू करना है उसको, तो इस 3 को हम छोड़ देंगे तो क्या बच गया 6, फिर इस 2 को भी छोड़ देंगे क्या बच गया, क्लियर? एक और क्वेश्चन उठाते हैं कोई, ठीक है, अब देखो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, सबसे पहले क्या है, अब आप बताओगे सबसे पहले क्या आएगा बताओ, 4, वेरी गुड, 10, एक क्या आ गया आपकी कैरी, और फिर साथ में 9, ठीक है जी, तो 10 और 9 19, और साथ में एक कैरी भी आपकी, तो कितना हो गया 20, कैरी कितनी आ गई आपकी 2। अब क्या करना है, जब हमने तीनों को कर दिया तो मैंने बताया कि उसके बाद में हमने कम करते जाना है इधर से, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 15, और 2 कैरी है आपके पास में 17, 1 कैरी हो गया आपका, उसके बाद में क्या करोगे 9, और एक आपके पास में कैरी है तो 10, क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, ये देखो उसके बाद में उसको नहीं रब कर रही हूं मैं, अगर नोट डाउन करना है कर सकते हो। हाँ जी देखिए, कोई भी नंबर ले लिया मैंने, ठीक है, रैंडमली, अब देखिए उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ठीक है, अब देखो, हाँ जी बच्चे समझ आ रहा है, प्लीज थोड़ी देर बातें नहीं करनी, थोड़ी देर की क्लास है, ठीक है, उसके बाद में बाहर जाके आप जितनी मर्जी बात कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे पूछो कि हाँ जी मैडम ये पॉइंट ऐसे समझ, हाँ वो बताती हूँ मैं आपको, ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है, आपने 3 को लेंगे 7 1 8 8 और 2 10, अब देखो 10 नहीं लिखना हमने, 1 कैरी रखना है, समझ आया, 3 7 7 1 8 और 2 आपका 10 और 1 आपका कैरी, अब क्या करना है इसको छोड़ते हुए जाना है, ठीक है, तो कितना हो गया आपका 7, और एक ये कैरी था आपका, अब इसको आपने, अब क्या आ गया 3, और उसके बाद देखो कितनी जल्दी से हो गया, एक लाइन में हो गया, इजी था, सभी को क्लियर है बेटा, ठीक है, क्लियर है सही आंसर? हाँ जी, देखिए बेटा क्या करना है आपने, कि पहले आप फर्स्ट नंबर को लोगे राइट साइड से शुरू करना है आपने, ठीक है, फर्स्ट नंबर एज इट इज, फिर उसके बाद में इन 2 को लेंगे, उनको जोड़ दिया, फिर इन 3 को लेंगे, उसको ऐड कर दिया, फिर उसके बाद 4 को ले लेंगे, अब जहां से हमने स्टार्ट कहां से किया था, राइट से शुरू किया था, तो राइट से ही 1 1 करके उसको स्किप करना शुरू कर दोगे आप, ठीक है, तो यहां से स्किप किया, ये 3 नंबर बच गए आपके, उनको जोड़ दिया, फिर इसको भी स्किप कर दिया, इनको जोड़ दिया, फिर इसको भी स्किप कर दिया, उसको जोड़ दिया, क्लियर?
हाँ जी, जैसा कि अभी उन्होंने कहा हमें कि मैडम आप जितने डिजिट्स के, जितने नंबर वन हैं उतने ही डिजिट्स ले रहे हो, ठीक है। अब हम उस पर आते हैं। अब हमने पहले किससे किया था, 11 से मल्टीप्लाई किया था। सेम वे अगर बेटा और भी आगे तक नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम मेथड यूज करोगे आप, ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास जो नंबर है वो ये नंबर है। अब इसको मैंने किससे करना है, 11 से। अब देखो नंबर ऑफ वंस आपके उतने नहीं है, सेम नहीं है। यहाँ पे आपके पास 3 डिजिट्स है, यहाँ पे आपके पास में 2 डिजिट्स है। तो अब मैंने क्या कहा कि जब हम पेयर बना रहे हैं, जब जोड़ रहे हैं जिन जिन पेयर्स को, तो मैक्सिमम जो नंबर है जिनका पेयर आपने बनाना है, तो वो क्या है कि जितने वंस है ना उतना ही बड़ा पेयर बनेगा, उससे बड़ा जो है पेयर नहीं बनेगा आपका, ठीक है। अगर उससे बड़ा नंबर जा रहा है तो आप उसको स्किप करना शुरू कर दोगे। देखो जैसे ये आपका है 3, एज इट इज आ गया। अब इन दोनों को हमने जोड़ना है 4। अब हमारे पास में तो 2 ही वंस है, ठीक है, तो हम इसको स्किप कर देंगे, इधर वाले 2 को उठा लेंगे, 2 2 का पेयर बनेगा आपका, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चे, 3, उसके बाद में 2। क्लियर, क्या किया देखो, बिल्कुल आसान है। अपनी जैसे हम जर्नल पढ़ते हैं ना, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। 11 का तो सबसे आसान है, 3 1 4 4 फिर 3 और फिर मतलब इधर इधर से 2 नंबरों को जोड़ते जाओ, बस एंड में 1 रह जाएगा, वो एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है। सेम वे अगर मान लो मेरे पास में नंबर है, उसको मैंने ऐसे करना, 3 से मल्टीप्लाई करना, उस केस में क्या है, अब आपके पास में हमें 3 3 के जो है पेयर आपका मैक्सिमम बनेगा, तो जैसे 2 हो गया आपका, क्लियर। अब 2 और 8 10। अब जो ये 10 है तो हमारे पास में जो कैरी है उसको ध्यान में रखते हुए चलना है आपने। तीसरा जो पेयर है वो कितने का बनेगा, 3 नंबरों का बनेगा, कितना हो गया 10 प्लस 1 11, और एक आपका कैरी कितना हो गया 12, अगेन एक कैरी। अब देखो मेरे पास में 3 वंस है तो 3 का ही पेयर बनाना है आपने। जब हम इधर जा रहे हैं तो इस 2 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब आपके पास में क्या हो गया, 9 और 4 13, और एक आपके पास में क्या है बेटा, कैरी है 14। अब उसके बाद में देखो ये 3 हो गए, अब उसके बाद इन दोनों को आप ऐड करोगे, और एक आपके पास में क्या है, कैरी है, तो ये कितना हो गया आपके पास में 6, और उसके बाद 4। क्लियर, एनी डाउट, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ जी 1 ज्यादा है आपके पास और जो न्यूमेरिक वैल्यू है आपके पास में वो आपकी कम डिजिट्स की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लिया मैंने, 48 ले लिया। उस केस में क्या करोगे, जितने वंस है ना तो आप इधर 0 प्लेस कर दो, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे भाई, सेम मेथड यूज करोगे, 8 12, उसके बाद में इन तीनों को करना, तो 0 ऐड होगी तो उतना ही रहेगा, और एक जो कैरी थी वो अपने पास में आगे आ जाएगी, फिर इन दोनों का, फिर 0 तो 0 है ही बेटा। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को, कौन सा बच्चे, हाँ लिया तो है हमने। देखो पहले यहाँ पे 2 आ गया आपका, ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, इन दोनों को लिया, ठीक है, तो कितना हो गया आपके पास में, 10 हो गया। उसके बाद में इन तीनों को लेना आपने, ठीक है, तो कितना हो गया, 10, ये एक 11, और एक आपके पास में बच्चे कैरी थी, तो 12 हो गया आपका, अगेन एक कैरी आ गई है। उसके बाद में इस 2 को मैंने हटाया, इन तीनों को लिया मैंने, ठीक है, तो कितना हो गया, ये 13 था और एक आपके पास में कैरी थी, तो हो गया 14। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको भी स्किप कर देंगे, ये कितना है 5, और एक आपके पास में कैरी थी 6, उसके बाद क्या लेंगे हम 4। डन, ये वाला बच्चा देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ वंस ज्यादा है और जो हमारा नंबर है उसके अंदर डिजिट्स कम है, तो हमें जितने वंस है ना बच्चे उसके लिए उतनी ही आप जीरोस प्लेस कर लो, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर है और उसकी लेफ्ट में आप 0 लगाते हो तो उससे हमारा जो नंबर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पता है सभी को।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने जीरो लगा दिया तो हमारा 48 तो 48 ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा उस पर। तो हमने साथ में क्या किया, फिर वही मेथड है, पहले वन फिर टू का पेयर बनाना, फिर थ्री का पेयर बनाना जीरो को साथ में कंसिडर करके, ठीक है, फिर एक एक को छोड़ते हुए जाना, फिर इसको लेना, फिर जीरो का तो फिर जीरो ही रहेगा यहाँ पे, अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी दो, बट कोई मीनिंग नहीं है उसका। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। हाँ जी, देखिए अभी हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय वंस किया है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय नाइंस। जितनी मर्जी नाइन हो, ठीक है। अब देखिए भाई ये सेम, अगर मेरे पास में कोई भी नंबर दिया हुआ है, मान लो मेरे पास है नंबर सिंगल नाइन से, तो सभी मल्टीप्लाई कर लेते हो, ठीक है जी, हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास में, जो ये ऊपर नंबर है जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो उससे एक लेस करके चलना है आपने, क्या होएगा, 31 होगा, 31 होगा, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्या करना है, ये जो है नंबर इसमें से इसको माइनस करना है, नाइन से बन गया एट और नाइन से थ्री गया, दिस इज योर आंसर, खत्म, आ गया आंसर, इजी है। दोबारा से रिपीट कर दो, देखो क्या किया हमने, जो हमारे पास में नंबर है ठीक है, उससे हमने एक कम लिखना है, क्या है हमारे पास 32 है, तो 32 माइनस 1 31 हो गया आपका, 31 आपने एज इट इज यहाँ पे प्लेस कर दिया है, उसके बाद में 99 जो है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर को क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस करेंगे, 9 से 1 गया 8, 9 से 3 गया 6, क्लियर है, नेक्स्ट करें। अब इसी तरह से और कोई भी नंबर उठा लीजिए आप, यहाँ पे देखो अगेन हमारे पास में नंबर क्या है, मेथड अगर समझ आ गया तो आई थिंक कुछ क्वेश्चन जो कुछ स्टूडेंट्स उन्होंने तो आंसर निकाल भी लिया होगा, आ गया, हाँ जी, कितने स्टूडेंट्स ने कर लिया है ये, देखो क्या करना है बच्चे, इसमें से वन माइनस करना है, कितना आ गया 681, अब इसमें से इसको माइनस करना है, सीधा सीधा सा है, इसको इसमें से किया हमने 8, इसको इसमें से किया 1, इसको इसमें से किया, दिस इज योर आंसर, सिंपल, चेक करना चाहो कैलकुलेटर से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो कितना इजीली हो गया, ठीक है, आसान है। और कोई नंबर उठा लेते, कोई मर्जी नंबर ले लो, ठीक है। तो अब इसके अंदर मान लो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इसको, अब इसका आंसर आप बताओगे, करो सारे, शाबाश करिए, हाँ जी, नंबर है 4632, नीचे 4 टाइम्स ऑफ 9, 9999, 3 बार 4 बार 9 लिखने, आ गया सभी का, आ गया आंसर, इजी था, क्या किया सभी ने, अगर किसी का नहीं भी हुआ तो एक बार मैं बता देती हूँ, क्या करना हमने इसको एज इट इज लिखना है बेटा, 4631। अब कई बार ना बच्चों की होता है, हाँ जी यहाँ से हम जब लिखना शुरू करते हैं तो इधर नंबर चला जाता है, तो हमें पता है 9 में से कुछ भी माइनस करोगे कैरी का तो कोई सीन है ही नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, आप डायरेक्टली कर लो, 9 से 5, 3, 6, 8, डन, ठीक है जी, नोट डाउन करना है किसी ने, करना कर लो, आगे बढ़े, Thank you.
अब देखो नाइन्स इक्वल नहीं है, पहले क्या था कि सेम नंबर हम लेके चल रहे थे, है ना। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे आपके पास टू डिजिट का नंबर है और यहाँ पे अपने पास में थ्री टाइम्स ऑफ नाइन है, क्लियर। तो अब क्या करना है, वही करना है, इसको एक तरह से आप जीरो कंसीडर करके चल लो बेटा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपके पास में ये हो जाएगा 35 और ये साथ में ना जीरो को लेके चलना है, क्योंकि फिर इधर वाले नाइन में से भी तो कुछ माइनस करोगे, ठीक है। तो ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी बच्चे 9, 6 and 4। कुछ ना अपने माइंड में घर पे ना कुछ नंबर्स है, हमें पता नंबर्स हैं कितने, जीरो से नाइन यही डिजिट्स हैं, इन्हीं से नंबर बनाने, कुछ भी नंबर लिख लिया और उसको कर लिया, फिर उसको चेक करने के लिए क्या करोगे, एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लो कि हाँ जी हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्लियर। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो जो हमारी क्लास है कब, अपनी वेडनेसडेज 29 से क्लास शुरू हो रही है, तो वो वाले डाउट्स हम उसी दिन क्लियर करेंगे, क्योंकि उस दिन भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास ही है, ठीक है। तो बढ़े नेक्स्ट ट्रिक पे, अच्छा ये बताओ टेबल्स किन किन स्टूडेंट्स को याद है, कहां तक टेबल याद है, 20 तक याद है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 20 तक टेबल याद है, इसका मतलब कि जो 20 से छोटे नंबर उनको भी मल्टीप्लाई करना बताना पड़ेगा ना। चलो जी देखो, अगर मान लो मुझे टेबल याद है तो मल्टीप्लिकेशन वैसे इजी हो जाती है, जिस नंबर की मुझे टेबल याद है उससे तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लूंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में कोई नंबर है और इसको मैंने 12 से मल्टीप्लाई करना है और मुझे टेबल याद है तो मैं क्या करूंगी, सीधा ही करूंगी ना, एक कैरी 37, 3 12 दूनी 24, 24 और 3 27 आ गया आंसर, एक लाइन में आंसर आ गया। बट अगर मुझे टेबल याद नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगी, पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर 1 से करूंगी, फिर सबको जोड़ूंगी, यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बेटा जो मल्टीप्लीकेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन करते हो एंड में ना जाके वही कैलकुलेशन बच जाती है आपकी, ठीक है ना। मान लो स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन है आपका, तो पूरी स्टेटमेंट को आप सोल्व कर लोगे, उसके बाद में एंड में क्या रह जाती है, वही कैलकुलेशन तो करनी है ना, मल्टीप्लीकेशन तो करनी पड़ेगी। तो अब देखो, अगर मान लो मेरे, अब हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, लाइक 11, 12, 13, 14 अप टू 19, ठीक है। मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना है 12 को 13 से, ठीक है। 12 और 13 को जब आपने मल्टीप्लाई करना है और मुझे टेबल नहीं आता, इतना तो वैसे आना चाहिए, देखो मैं ये नहीं कहती कि हाँ जी आप इस ट्रिक के ऊपर जाओ, ठीक है, अगर नहीं आता तो आप अप्लाई कर सकते, बट अगर आपको टेबल आता है दैट इज बेस्ट, ठीक है ना, टेबल आनी चाहिए बेटा 20 तक। क्या करोगे, देखो सिंपल है, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो इधर वाले नंबर है क्या आ गया 6, फिर दोनों को जोड़ लो क्या आ गया 5 और फिर ये खत्म, ठीक है। क्या किया मैंने, कोई भी नंबर ले लो मेरा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इधर वाले नंबर्स को कितना आ गया 16, 9 तक तो सबको आता ही है, वो तो करना भी पड़ेगा, अगर आप इतना बड़ा ड्रीम माइंड में लेके चल रहे हो कि हाँ जी हमने आईएएस ऑफिसर बनना है कल को, ठीक है, पीसीएस ऑफिसर बनना है, तो इतना तो बेटा करना पड़ेगा। देखो क्या है, 16 आ गया, दूसरी बारी में मैंने क्या बताया, दोनों को जोड़ना है, तो क्या हो गया 8 और 2 10, ठीक है, और एक अपनी कैरी थी, कैरी को नहीं भूलना है, कैरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कितना हो गया 11, अब 1 और 1, ठीक है। अगर कैरी नहीं आ रही है तो 1 एज इट इज लिख दो, अगर कैरी आ रही है तो उसको उसके अंदर ऐड कर दो, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। चलो तो फिर बताइए, बेटा 14 × 15 ये तो वैसे याद होता है, चलो कोई नहीं फिर मैं करवाती हूँ बोर्ड पे, 14 × 15 210, हो गया सभी का, इजी था। क्या करना है, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को ऐड कर दो, आपका हो गया बेटा। देखो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है, कितना हो गया आपका 20, 2 कैरी है आपका, ठीक है, और अब दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया 9, 9 और 2 कैरी है आपका, तो कितना हो गया आपका 11, अब 1 कैरी है, 1 लिखना है हमने एज इट इज, साथ में कैरी को ऐड करना है,
अभी जैसे हम समझा रहे हैं, ठीक है, आप भी कर रहे हो, तो उसमें टाइम लग रहा है। जब आपकी इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप देखते ही आंसर लिख दोगे कि हाँ जी ये ऐसे बनेगा। हाँ जी, नेक्स्ट करें बच्चे। अब देखिए, नेक्स्ट हम कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई करना है हमने उन नंबर्स को जिनके एंड में 5 आता है, ठीक है। ये आई थिंक सबको पता होगा, फिर भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ 25 को मैंने 25 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये तो सभी को ही पता, वैसे याद है, है ना, सभी को याद है, ठीक है। अब अगला उठाते हैं जो याद नहीं होगा। हाँ जी, अब देखो बेटा क्या है कि जब मैंने 2 को और इसको किया जैसे मल्टीप्लाई, तो जो हमारी ये वाली जो डिजिट है इसको आपने माइंड में रखना है। 25 25, 2 2 से नेक्स्ट क्या आता है 3, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे 6, 2 into 3, और एंड में आपको क्या प्लेस करना है, 25 ही प्लेस करना है। देखो अब इसी तरह से जब हम इसको करेंगे तो क्या है, मेरा यहाँ पे नंबर क्या है 3, और 3 से नेक्स्ट 4, 3 into 4 12, तो आंसर क्या आ गया, खत्म। इजी है, हाँ 25 आएगा बेटा। हाँ, इन केस ऑफ कि आपके जो दोनों नंबर्स हैं वो सेम है, ठीक है, वो आगे दूसरा भी बताऊंगी मैं आपको। तो उसके बाद में देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 65 लेते हैं। अब देखो बिल्कुल इजी हो गया, 6 6 टू नेक्स्ट 7, कितना आ गया आपका 42, और आगे क्या प्लेस करना आपने 25। इजी है, समझ आ गया सभी स्टूडेंट्स को। हाँ जी, नोट डाउन कर लीजिए क्या करना है, ट्रिक को साथ में नोट डाउन कर लो कि हाँ जी किया क्या है। जो ये हमारे पास में जो नंबर है उससे नेक्स्ट नंबर को आपने लिखना है, उनको आपस में एक तरह से मल्टीप्लाई करके और फिर मेंशन करना। जैसे 3 है, 3 से नेक्स्ट 4, 6 से नेक्स्ट 7, इसी तरह से मान लो मैंने करना है 95 into 95, 9 से नेक्स्ट 10, तो क्या आ गया आपका आंसर 90 25। सिंपल, समझ आ रहा है बच्चे, ठीक। अब देखिए उसके बाद में अब हम करते हैं कि अब जरूरी तो नहीं है कि हर बार आपको नंबर सेम ही मिलेगा। अभी मैं जस्ट कौन से नंबरों को कर रही हूँ जिनके आखिर में आपका 5 होता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास में जो नंबर्स हैं वो किस तरह से हैं, 45 into 65, ठीक है, 45 into 65, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो अब इसमें जो है, अभी एक बार थोड़ा सा ट्रिक को नोट डाउन कर लो, फिर 2-3 एग्जांपल करेंगे, अभी आपको आंसर आ जाएंगे कैसे करने। अब यहाँ पे देखो कि अपने पास में ये जो दो नंबर्स हैं क्या क्या है, एक 4 है और एक 6 है, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है, क्या आ गया 24 आ गया। साथ में अब हमने इसके अंदर क्या करना है, देखो जब हमें दिख रहा है कि 4 है और 6 है, 4 और 6 दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 10, और 10 का हाफ क्या होता है 5, तो यहाँ पे इसके अंदर बेटा 5 को हमने प्लस कर, ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास में 29, और आखिर में क्या लगाना है, डन, समझ आ गया है? नहीं, हर एक में नहीं आएगा, वो केस भी अपन डिस्कस करेंगे, ये क्लियर है? हाँ जी, रिपीट कर दें। देखो क्या करना है बच्चे, पहले जो ये वाली जो डिजिट है 5 को तो आपने कुछ नहीं करना, 5 को छोड़ के जो दूसरी डिजिट है आपकी, जो आप इन दोनों को क्या करा, मैंने मल्टीप्लाई किया प्लस इनका जो हाफ है उसको हमने उसके अंदर जोड़ दिया। तो देखो 6 और 4 10, 10 का हाफ 5, और 5 24, और 5 को हम जोड़ेंगे दोनों को तो क्या हो गया 29, और 29 के साथ में क्या प्लेस करना है आपने 25। क्लियर है, समझ आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? ओके, अब देखिए कोई और क्वेश्चन लेते हैं। लाइक मैंने ले लिया 85 into 45, क्या करेंगे, 8 4 जा 32 प्लस, अब मैंने क्या बताया इन दोनों का क्या गया, एक बार मैंने माइंड में पढ़ना है कि हाँ जी 8 4 जा, फिर हम कहेंगे 8 and 4, देखो एक बोलने का तरीका हो जाता है ना माइंड में,
एट फोर जा 32, एट एंड फोर 12 और 12 का हाफ 6, ठीक है। कितना आ गया आपका 38 और एंड में क्या लिखोगे 25। डन। हाँ जी, अब बात आती है बेटा दूसरे नंबर्स की। अब मान लो मैं लिखती हूँ 85 इंटू 35, ठीक है, दिख रहा है ये, यहाँ पे करते हैं। हाँ जी, क्या था हमारा नंबर 85 इंटू 35। अब देखो अभी मैंने क्या बताया आपको, पहले क्या करना है माइंड में रखना, 8 3 जा प्लस 8 एंड 3 11 11 का हाफ, अब देखो 5.5 आता है, पूरा नहीं हो रहा ना अपना, कंप्लीट नहीं जा रहा, ठीक है। तो हमें जो हमारा एब्सोल्यूट पार्ट है वही उठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमने पास में, ये हो गया आपके पास में 5.5 आ गया, तो हमने क्या उठाना, 5 ही लेना है, 0.5 जो है उससे कोई कंसर्न नहीं हमारा। और साथ में जो 0.5 है उसको किस में रखना है, 25, और अगर हम 25 और 50 का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो पीछे क्या प्लेस करना है आपने 75, मींस कि दोनों का अगर सम आपका जो पूरा पूरा है इवन नंबर है तो आपने 25 प्लेस करना है, ठीक है। और अगर आपका जो सम है वो ओड नंबर्स बन रहा है तो आप क्या करोगे 75 प्लेस करोगे। क्लियर है, ये भी पता चल गया ना कि क्यों करेंगे, क्योंकि वो जो हमारा पॉइंट वाले जो वैल्यू है उसको भी तो कंसीडर करना कहीं ना कहीं। चलो तो अब करिए कुछ क्वेश्चंस। ये तो सेम क्वेश्चन मैंने वहीं कर रखा है, कुछ और ला दो नंबर। एक्चुअली क्या है कि वही अपने पास 9 डिजिट्स होती हैं बच्चे, है ना, 0 से 9 तक, टोटल आपकी 10 डिजिट्स हैं 0 to 9। तो उन्हीं को ही मिक्स करके हमने क्या करना है, कोई ना कोई नंबर लेना है, तो वही नंबर्स चलते रहते हैं माइंड में। इसको करिए, आसान है, 4 2 जा 8 और 6 का हाफ 3, 8 एंड 3 11, 11 25। देखो लिखना पड़ा कुछ नहीं, ऐसे ही हो जाएगा ना। कौन सा, ये वाला बेटा, ये कैसे है, देखो ये देखो आपका, पहले मैंने क्या कहा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई किया 24। सिंपल ना, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल फील करते हो उसमें बोलो। जैसे इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश में टेबल्स वगैरह याद हैं तो वो कैसे बोल लेंगे, ऐसे ही करेंगे 8 3 जा 24, 8 प्लस 3 11, 11 का हाई हाफ 5। हमें पता है कि 11 का हाफ 5 नहीं होता, 5 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका 25, बिकॉज आपका कुछ पॉइंट में आ रहा था तो आप क्या करोगे साथ में 75। जिनको हिंदी में आदत है करने की वो कैसे बोल लेंगे, हाँ जी 8 3 24, 8 और 3 11, 11 का आधा 5, दोनों को जोड़ा 29 29 75, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ जी जिसमें आप कंफर्टेबल, क्योंकि जो माइंड है ना, माइंड ऐसे चलेगा जिस तरह से हम पले बढ़े हैं। अब हर एक बच्चा अलग तरीके से पला बढ़े, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़े बच्चे, आ गया समझ सभी को। चलो एक और नंबर का ही और दूसरा कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे आप 75 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अपने पास में ऑड नंबर आ गया, हो गया गुड। तो इसके एंड में क्या लगाओगे, 75 लगाओगे या 25 लगाओगे, 75 लगाएंगे। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को, हाँ जी। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ऐसा है कई बार ना अपने पास में कुछ ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जैसे 21 इंटू 22, मतलब कि जो आपके क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको ना सभी ट्रिक्स याद हो जाते हैं, और वो कैसे होते हैं जिनकी प्रैक्टिस होती है,
ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि हाँ जी एक ही मेथड बता दो हमें, तो हम बस उसको याद कर लेंगे, ठीक है, हमें सारे अलग अलग से नहीं करने। बट बेटा ये है कि हाँ जी कुछ ट्रिक्स जो है वो दूसरे मेथड से इजी पड़ते कुछ नंबर्स पे, पर्टिकुलर नंबर्स पे, तो याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं जो कॉमन मेथड है वो भी डिस्कस करेंगे मल्टीप्लीकेशन का। देखो अब ये जो नंबर है इस तरह से कोई भी नंबर है आपके पास में, तो क्या करोगे जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर, हाँ जी बताओ कितना होगा, और उसके अंदर उसी नंबर को ऐड कर देना है आपने, या फिर जो अपना बड़ा नंबर है इसका क्या होगा बताओ, और उसके अंदर से इसको माइनस कर दो, ठीक है। दोनों केसेस में आंसर सेम रहेगा, तो आप किस पे अप्लाई करोगे, जिसका स्क्वायर हमें याद है, मान लो दोनों में से एक का स्क्वायर याद है एक का मुझे नहीं याद, तो जिसका याद है उस पे अप्लाई कर दो, ठीक है। ये मेथड कहां पे यूज होगा, अगर आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 25 into 26, ठीक है। अब 25 into 26 के केस में हमें 25 का सबको याद है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे 25 प्लस कर देंगे, तो 625 प्लस 25 650 आपका आंसर हो गया, क्लियर है। अब देखो कई बार क्या होता है कि जो दो नंबर्स हैं उनके बीच में हमारे पास में एक नंबर का गैप भी आ जाता है, जैसे बीच में एक नंबर नहीं है ना 11, 12, 13, तो 12 मिसिंग है, तो क्या करोगे जो नंबर आपका मिसिंग है उसका स्क्वायर निकालो आप, कितना होएगा, और इसमें से एक माइनस कर दो, दैट विल बी योर आंसर। तो एक माइनस करने के लिए लिखने की तो लोड है नहीं, ठीक है, क्या करोगे सीधा माइंड में हो जाएगा, हाँ जी। तो अब इसी तरह से मान लो मेरे पास में है, कितना आंसर आएगा 19 into 21, बीच में क्या है 20 का 400 और 400 माइनस 1 399, क्लियर है, इजी है। जो मिड टर्म है आपकी, ठीक है जी, ओके ओके, हाँ जी हाँ जी ओके। आगे समझ, हाँ जी पीछे स्टूडेंट्स, क्लियर है, ठीक है, हो गया बच्चे नोट डाउन। अब हम करेंगे जो कॉमन मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो अगर मान लो बाकी के टर्म्स को जो है ट्रिक्स आप भूल भी जाते हो, तो जो कॉमन है वो तो एक तो याद कर ही सकते हैं, एक तो कर ही सकते हैं, ठीक है, तो उसको देखो ध्यान से देखना। अब मान लो हमारे पास में कोई भी नंबर आ जाए, हाँ जी बच्चे नींद आ रही है मुझे, मेरे ख्याल में ना ट्रिक्स वगैरह हो रही है, अच्छा है कंसेप्ट, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है बोरिंग, अच्छा हेडेक हो रहा है, ओके। हाँ जी देखिए बेटा, कोई मर्जी नंबर हो आपके पास में, कोई भी बोलिए, जैसे लाइक हो गया आपके पास में, वन से नहीं लेते, कहते वन से इजी नंबर हो जाता है, ले लेते हैं, ठीक है जी। आप देखो इनको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। ये कॉमन मेथड है जो जितने भी टू डिजिट्स के नंबर है सभी पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो पहले क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया आपका 6, फिर क्या करना है बच्चे, इसको दोनों को मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, देखो ध्यान से 4 और 9 कितना हो गया आपका 13, कैरी रखनी है माइंड में, 6 और 1 कैरी थी आपकी। देखिए स्टेप्स क्या हैं, दो नंबर्स है बच्चे आपके, फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो सेकंड स्टेप है उसमें आपने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एंड इन थर्ड स्टेप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, बिल्कुल क्लियर हो गया। पहले फर्स्ट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्रॉस करना है, और फिर अपने जो लास्ट डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करना है।
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा देखो, हमारे पास में नंबर है 23 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 32 से, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी वंस प्लेस पे जो डिजिट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6। देन आप क्या करोगे कि जो आपकी दोनों डिजिट्स हैं उनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स 2 × 2 = 4 and 3 = 3 = 9, 9 and 4 = 13, 1 कैरी आ गया आपका। उसके बाद में जो आपकी सेकेंड डिजिट है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 3 = 6, ठीक है। और एक आपका कैरी था बच्चे, तो क्या हो गया आपके पास में, 7 हो गया। हाँ जी बच्चे, इधर क्लियर है, हाँ जी ठीक है। और करते हैं एक दो प्रैक्टिस के लिए, हाँ जी करिए। 52 × 74, एक लाइन में मल्टीप्लाई करना आपने 52, हाँ जी बिल्कुल, थ्री डिजिट्स के लिए भी है बेटा, 3 और 2 के लिए भी है, नॉर्मल है, वो भी नॉर्मल ही है। अभी आप करोगे ना आपको ये भी बिल्कुल ही आसान है, सारे आसान है। हाँ जी, 38481 आंसर आ गया दूसरे स्टूडेंट्स का, किसी का आ गया, इसी मेथड से किया है, दूसरे से किया है, इसी से मेथड से किया है, ठीक है जी। अब करो, अब हमारे पास नंबर जो है उसमें मैंने क्या किया, पहले था 52 × 74, नाउ द नंबर इज 352 × 74, मींस ऊपर आपके पास थ्री डिजिट्स हैं और नीचे आपके पास में टू डिजिट्स हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, जो शुरू वाले जो स्टेप्स हैं वो तो आपने सीख लिए, वो तो आपको लर्न हो गए। क्या किया हमने, फर्स्ट स्टेप क्या था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, क्या हो गया आपका 4 × 2 = 8, ठीक है जी। सेकंड के अंदर क्या किया था हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अपने पास में देखो कितना हो गया, ये हो गया आपका 20 और 14 आपका कितना हो गया बेटा, ठीक है, ये कितना हो गया आपके पास में 34, 3 आपका कैरी आ गया। देखो ध्यान से समझो, उसके बाद में जैसे अब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे तो अब हमने क्या करना, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एक तरह से ये मान के चलो कि अब मेरे पास में क्या रह गया, 35 और 74 है। दोबारा से नहीं नोट डाउन करना आपने, क्या करना वहीं पे ही इस तरह से बना लोगे कि इन दोनों का क्रॉस करना है आपने। तो कितना हो गया आपके पास में, ये हो गया आपका बेटा 5 and 7 = 35 और ये आपके पास में 12, तो ये आ गया 47 और 3 आपके पास में ये था, ठीक है। तो कितना हो गया आपके पास में 55 आपकी कैरी आ गई। उसके बाद क्या, लास्ट स्टेप तो हमें पता ही है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में कितना आ गया 21 और एक ये आपके पास में 5 कैरी था बेटा, ठीक है। तो कितना हो गया 26, ये ठीक है बच्चे, समझ आ गया। एक थ्री डिजिट का नंबर आपके पास में, एक टू डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो जो थ्री डिजिट का आपका नंबर है आपको क्या करना है कि पहले दोनों स्टेप्स सेम है आपके, सिर्फ आपको एक और स्टेप इसमें ऐड करना है। क्या करना है कि जो इधर वाले नंबर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद लास्ट स्टेप जो है वो अगेन आपका वही है। दोबारा रिपीट करें, ठीक है, टेक सम अदर नंबर। देखो ठीक है, अब पहला स्टेप क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है 9, सेकंड स्टेप क्रॉस कितना हो गया 3, 6, ठीक है, कितना हो गया आपका 9, थर्ड स्टेप इन दोनों को क्रॉस करना है 6 × 2 = 8 एंड थर्ड स्टेप, इसमें कैरी नहीं था, आई थिंक ये इजीली समझ आ गया होगा आपको, बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट सेकंड क्रॉस, फिर इन दोनों का क्रॉस हो। अब हम करते हैं थ्री डिजिट्स को थ्री डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 2, 3 तो हो गया आपका, 3, 2 ऊपर नीचे कैसे मर्जी लिख लो, तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब हम करेंगे किसको, 3, 2, 3, कोई छोटा नंबर उठाते क्योंकि स्टार्टिंग में अगर कैरी ना आए तो आप इजीली समझ लोगे। ठीक है, अब देखो
यहां तक के जो दो स्टेप्स हैं वो तो आप लोगों को पहले ही पता है, पहले फर्स्ट दोनों डिजिट को करना है फिर क्रॉस करना है। आप पहले आपके पास में इसको आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया 3, देन इन दोनों को आपको क्रॉस करना है 1 + 6, ठीक है जी, तो कितना हो गया आपका 7। अब जो सीखना है वो ये स्टेप सीखना है, इसको ध्यान से देखो। अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ में क्रॉस करना है, इसको इसके साथ में क्रॉस करना है और इसको इसके साथ। समझ आ गया क्या करना है, देखो 3 डिजिट्स हैं आपके, 3 इसको ऐसे क्रॉस किया फर्स्ट को लास्ट के साथ, इधर वाले को और सभी को क्या करना आपस में प्लस कर देना, ठीक है। तो कितना हो गया देखो, ये हो गया बच्चे आपका 2, 6, 2 और 9, 11, 11 और 2, 13। अब इन दोनों को लेना है, 3 का तो हो गया आपका, अब इन दोनों को देखो, अब इनका क्रॉस करोगे क्या हो गया 4, 3 और एक आपका कैरी था, ठीक है। तो कितना हो गया आपके पास 7 और 1, 8। उसके बाद में क्या करना है 6। क्लियर है बच्चे? हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गया है, कोई डाउट? हाँ जी लास्ट इधर। इसी तरह से आप 4 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, पर ज्यादातर ना मैक्सिमम 3 डिजिट्स का ही आता होता है, ठीक है। 4 में भी कुछ नहीं है, बस फिर उसके अंदर एक और डिजिट आपकी जो है ऐड हो जाएगी और फिर बीच में ये दोनों आ जाएंगे। करेक्ट क्वेश्चन 4 वाला करना है, नहीं करना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आज हमने करने हैं स्क्वेयर्स अप टू 1 to 1000, 1 से स्टार्ट करेंगे स्क्वेयर्स को और 1000 तक लेके जाने हैं। आज करें या फिर जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ज्यादा हो गया ये वाला, दोबारा रिपीट करो बेटा। हाँ जी देखिए क्या किया है हमने, सबसे पहला जो स्टेप है आपका वो क्या है कि फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट के साथ में आपने मल्टीप्लाई करना है। ये देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 बन जा 3। उसके बाद में क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 और 3 और 2, 3 2 जा 6 हो गया, तो ये कितना हो गया बेटा 6 और 1, 7 हो गया आपका, यहाँ पे 7 आ गया। उसके बाद में जो थर्ड स्टेप है जो समझने वाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेके कितना हो गया 2, उसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9, ठीक है 9 और 2, 11 + 2, 13, 13 का 3 आपका यहाँ पे आ गया, 1 आपका क्या है कैरी है। उसके बाद क्या करोगे आपने जो बाकी का जो स्टेप है इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों नंबर्स को, मतलब क्या है कि पहले हमने राइट साइड से शुरू किया है, तो राइट का फर्स्ट नंबर, देन राइट के 2 नंबर्स, फिर एक बार सारे के सारे हमने मिक्स कर दिए, फिर इधर से स्किप करना शुरू कर देना है, ठीक है, फिर लेफ्ट के 2 नंबर्स को क्रॉस करेंगे, फिर लास्ट वाले को। तो ये आपके पास में देखो बेटा कितना हो गया 4 और 3, 7 और एक आपके पास में कैरी था 8 और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 6। हाँ जी क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसा है कि सर आपको बता के गए हैं कि आपकी जो क्लास है वो 29th से शुरू होनी है, ठीक है। जिन जिन स्टूडेंट्स को अपना इनरोलमेंट करवाना है तो आप वहाँ पे जो अपना रिसेप्शन पे जाके वहाँ पे बात कर सकते हो, कुछ डिटेल्स और पता करनी है। वैसे वीक में आपकी 4 क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है, एक वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। जो शेड्यूल है आपका मोस्ट प्रोबेबली जो आपका सिलेबस है 2.5 से 3 महीने के अंदर आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि जो सिलेबस है आपका क्वांट और रीजनिंग का सिलेबस ज़्यादा है, ठीक है, और इंग्लिश का सिलेबस कम है, तो आपके क्वांट रीजनिंग के जो लेक्चर्स हैं वो ज़्यादा हुआ करेंगे कंपैरेटिवली, इंग्लिश के लेक्चर्स आपके कम होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर 29th। नहीं इधर नहीं लिखना हमने, ये अगर ऊपर अपने पास में वैल्यू होती ना बच्ची फिर तो हम कर लेते, इसका भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। देखो क्या करना है, ये आपको क्या करना है, इसको हमने किया 783 बना दिया हमने, 783 करने के बाद में आप क्या करोगे, यहाँ से
इसको जो ये जो नंबर है इसके अंदर से हमने इसको माइनस कर दिया, तो बच गया क्या? देखो इसके अंदर से हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, इसके अंदर से इसको माइनस करेंगे, इसको किसके अंदर से माइनस कर, पॉइंट आता है कि हाँ जी इसके अंदर इसको किसके अंदर से माइनस कर, ये पॉइंट आ जाता है ना कि हाँ जी अब इसको क्या करें, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर मेरा नंबर बच गया ना, तो पहले इसके अंदर से हम इसको माइनस करेंगे इस नंबर, ठीक है। तो जब हम इसके अंदर से माइनस करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गया, अभी यहाँ पे आपके पास में आ गया 5, 7 and 7, ठीक है। और अब हम ये दो दो नंबर है वो प्लेस कर देंगे एज इट इज़, 9, 9 में से आपका जो है 2 गया 7, 9 में से आपका 8 गया 1, क्लियर है। हाँ, जो एक नंबर अपना रह गया, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे पास में होता तो उसके अंदर से हम उसको माइनस कर देते, अब वो नंबर अपने पास में रह गया, तो जो हम माइनस वन करेंगे ना उसके बाद में हमें जो ये आपका नंबर रिमेनिंग नंबर है उसको साथ में माइनस करना है। हमने 75 लिया है, हाँ मैंने भी 75 ही लिया था, मैंने तो इसमें क्यों नहीं माइनस किया 25, मतलब अगर हमारा 0.5 बचता है तो वो क्यों नहीं ऐड किया, तो वो 75 आ गया ना, अदरवाइज हम 25 लिखते हैं, तो 25 थोड़े ना लिखा है, 75 लिखा है, तो वो आप बोल रहे थे कि अगर किसी में 25 बचता है 0.5 बचता है तो वो ऐड करके फिर 75 बनता है, लेकिन यहाँ पे भी 0.5 बच रहा था फिर भी, तभी तो 75 लिखा है, देखो लेकिन वो यहाँ पे 25 होता है ना तब 75। देखो क्या है कि ये जो डिजिट है ना बच्चे, आपको ये फाइंड ये देखनी है दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहला क्या था, दोनों को मल्टीप्लाई किया आपका 28 आ गया, उसके बाद हमने दोनों को ऐड किया 7 और 4 11 हो गया, उसका क्या हो गया 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास में होता क्या है, वैसे बेसिकली 5.5 होता है, हम हर एक केस में क्या कर रहे हैं 25 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने 25 नहीं ऐड लिखना, तो ये जो 0.5 है ना ये 25 के अंदर ऐड हो गया, 25 और 50 कितना हो गया।